जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राजमहेश्वरम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे धारा एवं नाम संबंधी प्रश्न। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 4 तक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। नाव की गति धारा की गति की 7.5 गुना है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव धारा के प्रतिकूल एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए नाव की चाल दिया है और धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल। देखिए नाव की चाल धारा की चाल की 7.5 गुना है, तो 7.5 गुना 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो निचला मान लिया, जो मैं धारा की चाल मान लिया कि धारा की चाल दो है, तो इसे 7.5 गुना कितना हो जाएगा, 15। नाव की चाल 15 होगा। धारा की चाल हम ऋषि में दो माने हैं, तो नाव की चाल कितना हो जाएगा, 15। प्रश्न कह रहा है धारा के अनुकूल और धारा का प्रतिकूल जो चाल का अंतर दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का अनुकूल क्या होता है। मान लीजिए मेरा नदी है, नदी में एक नाव चल रहा है, तो नाव और नाव किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में धारा चलेगा, तो उसे को कहेंगे धारा के साथ कहेंगे या धारा के अनुकूल कहेंगे। जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में पानी भी बह रहा है। ठीक है, तो धारा का अनुकूल, जब धारा का अनुकूल चलेगा तो नाव की चाल प्लस जो धारा की चाल है उसको जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 17। दोनों को जोड़ें तो मेरा चाल आ गया 17। अब कह रहा कि धारा के अनुकूल और धारा का प्रतिकूल, जब प्रतिकूल मतलब क्या होगा, इसका उल्टा। नाव चल इस दिशा में और धारा चल इस दिशा में, यानी उसके विपरीत चल रहा है। नाव जिस दिशा में चल रहा है उसका उल्टा चल रहा है धारा, उसके उल्टा पानी बह रहा है। जब इसका उल्टा बहेगा तो मेरा चाल में कमी आएगा। जिस दिशा में 15 की स्पीड चल रहा है उसका जो पानी है उसे दो के स्पीड से उससे पीछे ठहर रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 15 - 2 यानी 13। ये धारा का अनुकूल हो गया, धारा का प्रतिकूल 13, दोनों मेरा रेशियो मैंने। प्रश्न कहा कि इसका अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मेरा रेशियो में कितना अंतर है, रेशियो में 4 रेशियो का अंतर है और चाल में कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक रेशियो का मान क्या आएगा, एक रेशियो का मान है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का प्रतिकूल कह रहा है, धारा का प्रतिकूल एक घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, और दूरी हमको निकलना है, तो दूरी बराबर चाल गुने में समय। धारा के प्रतिकूल मेरा चाल कितना है, 13, तो 13। देखिए एक रेशियो का मान और 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा है, तो 13 रेशियो का मान क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरा चाल कितना हो गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लग रहा है, एक घंटा में, तो एक से गुना कर दिए यानी 13 किलोमीटर दूरी तय करेगा एक घंटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, इसमें ऑप्शन ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा के गति से 500% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि धारा के अनुकूल यात्रा करते हुए नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक नाव है जिसकी धारा के प्रतिकूल, तो जब धारा के प्रतिकूल चलेगा तो उसका गति क्या होगा, मानते नाव की चाल चल और धारा की चल। धारा की चल, ठीक है, इसको एक से कुछ भी मान सकते हैं। नाव की चल अगर एक से मान है तो धारा की चल किसे मान लिए भाई, जब प्रतिकूल दिशा में चलेगा तो धारा जो चाल है चाल का मेरा अंतर होगा। ठीक है, अब अनुकूल दिशा में चलेगा तो चाल हमेशा जुटेगा, और प्रतिकूल दिशा में अगर नाव चल रहा है तो चाल का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब प्रश्न का है, धारा का अनुकूल और धारा का जिस दिशा में चल रहा है, धारा के अनुकूल जितना चाल है वो धारा के जो धारा चाल है, धारा चाल कितना है वाई, इसका 500% है, 500% अधिक है, सॉरी 500% अधिक है। और मान लीजिए धारा चाल 100 है, तो ये कितना होगा, जो प्रतिकूल दिशा में इसका टोटल चाल कितना होगा, दोनों के चाल और 500% अधिक है, तो 100 से 500 अधिक करेंगे। देखिए मेरे पास राशि 100 रुपये है। ठीक है, अब कह रहा है कि 100% अधिक है, तो 100 इससे 100% अधिक है, तो पहले 100 रुपये था
अब 100% अधिक है तो 100 और जोड़ेंगे, कहता 200% अधिक है तो 100 पहले मेरा राशि है 100 के बराबर है, ठीक है 200% अधिक है तो इसे ये दोगुना अधिक है तो 200 अधिक है, तो ये कितना होगा, 3 गुना हो गया। यही प्रश्न कर रहा है जो इसका प्रतिकूल में जो चाल है नाव जो धारा की चाल है उससे 500% अधिक है, यानी 5 गुना अधिक है तो इस और 100 है इससे 500 अधिक है तो कितना हो जाएगा 600, और इसका रेशियो मान निकाल लें तो कितना होगा, इसका 6 गुना हो जाएगा 6:1, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है धारा का प्रतिकूल उसे चाल है 18 किलोमीटर, धारा का प्रतिकूल 18 किलोमीटर चल रहा है तो मेरा रेशियो में कितना मानना है, रेशियो में आया है 6 किलो 6, रेशियो में 6 है और धारा के थी उसका चाल कितना दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जब प्रतिकूल में प्रतिकूल का हम रेशियो निकाले, प्रतिकूल में जो रेशियो थी था धारा की गति का 500% अधिक है, यानी 5 गुना अधिक है तो कितना 6 गुना हो जाएगा। ये तो मेरा रेशियो निकल गया धारा का प्रतिकूल दिशा में चाल और धारा की चाल, ठीक है। यहाँ प्रतिकूल धारा का मान दिया है कितना 18 किलोमीटर, यानी 6 रेशियो का मान दिया है तो 1 रेशियो का मान कितना क्या आएगा 36:18 3 किलोमीटर, 1 रेशियो का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है धारा के अनुकूल 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, देखिए धारा के अनुकूल कितने 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा तो धारा का अनुकूल चाल कितना होगा, और रेशियो मान मानते हैं, देखिए यहाँ वाई के मान 1 है और एक्स माइनस वाई के मान 6 है तो जो एक्स का मान है तो वाई के जो हम मान घटाए हो तो वही निकला है 6, तो वाई और एक्स 7 होगा तब ही घटाए तभी तो मेरा 6 आएगा, और वाई के मान छोड़िए एक्स का मान 7 होगा तब वही और उसमें हम 1 घटाएंगे तब 6 आएगा, ठीक है। तो नाव की चाल कितना हो गया, नाव की चाल 7, रेशियो में 7, धारा की चाल 1। यहाँ से रेशियो का हम चर्चा कर रहे हैं तो जो विपरीत दिशा में चाल है नाव और धारा का उसके धारा के 5 गुना अधिक है तो ये 6 गुना हो गया, धारा की चाल अगर 1 है तो इसे जो विपरीत दिशा में उसके अनुकूल प्रतिकूल चल रहा है तो दोनों का चाल इसका कितना है एक से माइनस वाई का 6। 6 कब आया है जब यहाँ वाई का हमको मालूम है 1 है तो जो एक से हम 1 घटाए हैं तब वहीं 6 आया है तो एक से कितना होगा 7 होगा, 7 में से घटा तब वहीं 6 आएगा। अब देखिए जब अब अनुकूल कह रहे हैं अनुकूल 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा तो यहाँ तो पहले 1 रेशियो का हमको मालूम चल गया, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर रेशियो निकलते हैं रेशियो में दोनों का मान कितना रहा है तो एक्स का मान कितना है 7 और वाई का मान 1, दोनों अनुकूल दिशा में चलेगा तो दोनों चले अनुकूल दिशा में तो चाल जुटेगा एक्स प्लस वाई, जब प्रतिकूल दिशा में चलता है तो चाल का अंतर लेते हैं और अनुकूल दिशा में चलेगा तो चाल को जोड़ेंगे। अब एक्स का मान कितना है 7 और वाई का मान कितना है 1, 7 + 1 = 8, रेशियो में 8, 1 रेशियो का मान 3 किलोमीटर है तो 8 रेशियो का मान क्या होगा, 1 रेशियो का मान 3 किलोमीटर है तो 8 से 3 से गुना करना है यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जो अनुकूल दिशा में है नाव और धारा की चाल एक ही दिशा में जब चल रहा है जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में पानी भी बह रहा है तो मेरा चाल कितना हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अब 3 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी निकालना है तो चाल गुने में समय, अनुकूल दिशा में चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 24 समय कितना है 3 घंटा, 3 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है गुना करते हैं 34 12 3 6 7 72 किलोमीटर आएगा दूरी है तो किलोमीटर आएगा, ठीक है। जो 3 घंटा में अनुकूल दिशा में 72 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल जाने में एक्स माइनस 18 किलोमीटर के बराबर है, धारा के प्रतिकूल गति अनुप्रवाह गति से 6 किलोमीटर कम है, यदि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्स का मान क्या है। देखिए धारा की दिशा में जा रहा है 1 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है एक्स माइनस 18 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल गति अनुप्रवाह गति से 6 किलोमीटर अधिक है,
धारा के प्रतिकूल गति की धारा का अनुप्रवाह गति 6 किलोमीटर अधिक है, जल सात हजार में नाव की चाल 15 किलोमीटर है। तो देखिए पहले प्रश्न कह रहा था धारा के थी अनुकूल दिशा में, धारा के दिशा में या अनुकूल दिशा में, धारा के दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय करा धारा के दिशा में, तो 1 किलोमीटर दूरी तय कितना, जितना प्रतिकूल दिशा में 1 मिनट 18 किलोमीटर दूरी तय करा, समय दोनों बराबर है, ठीक है। तो जो देखिए धारा की चाल हमको मान लेते हैं, नाव की चाल धारा की चाल मान लेते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल का देखिए एक तो ये मान दिया, इसको मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो नाव की चाल को मान लिए ए और धारा की चाल को मान लिए बी, ठीक है। जब समान दिशा में चलता है तो चाल को हम जोड़ते हैं, अनुकूल दिशा का है या धारा के साथ का है तो हम नाव की जो मेरा चाल है चाल जुटेगा। यहाँ क्या है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, ठीक है। जितना समय यह लग रहा है तो दूरी तो मेरा दी है 1 किलोमीटर और चाल कितना है, दोनों को एक ही दिशा में चल रहा है, जब धारा के साथ चल रहा है तो चाल को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ठीक है। अब प्रश्न करेगा धारा के विपरीत दिशा में, जब धारा के विपरीत दिशा तो चाल का अंतर लगेगा तो नाव के चाल ए माइनस बी, दोनों ही जो समय यहाँ निकलेगा वही समय यह है, समय बराबर है। अब प्रश्न कर रहा जो धारा की चाल दिया है धारक अनु प्रतिकूल और धारक अनुप्रवाह में 6 किलोमीटर कम है, जो मैं चाल दिया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल हो गया धारा का प्रतिकूल ए माइनस बी, चाल का अंतर दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जब धारा का अनुकूल चलेगा चाल जुटेगा, धारा का प्रतिकूल चाल घटेगा, इसका अंतर दिया है इसको माइनस घटाएंगे तो कितना के बराबर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मेरा दिया है नाव की चाल दिया कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का मान हम देखिए एक का मान रखिए ना रखिए हमको बी का मान यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस कोशिश बाहर निकलेंगे तो माइनस ए प्लस बी बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ए तो कट गया, प्लस ए माइनस ए बचा कितना 2b बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 से कटा 6 3 बार में तो बी का मान कितना गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये में क्या दिया था, बी किसे माना था, धारा की चाल, और नाव की चाल हमको दिया है कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का निकला 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, तो एक्स का मान निकालना, यहाँ एक्स का मान निकालना, ठीक है। एक्स का मान निकालने के लिए हमको दूरी निकालना है, देखिए नाव को चला धारा चला हमको दोनों मालूम चले गए। अब यहाँ से हम दोनों तो समय यहाँ बराबर है, तो यहाँ से हम अथी एक्स वाई का मान रहते सॉरी ए और बी का मान रह सकते हैं, एक्स का है दूरी है मेरा, तो एक्स बराबर ए प्लस बी कितना है 15 प्लस 3 18 बराबर एक्स माइनस 18 बराबर ए माइनस 15 माइनस 3 कितना 12 कट नीचे जब बराबर में है तो ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे कटता है और तिरछा दिशा गुना होगा तो इसे कटते हैं 6 से 6 18 6 12 अब तिरछा दिशा गुना कर देते हैं तो 2x बराबर 3x माइनस 18 54। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना भाई एक्स, इस तरह माइनस में है तो प्लस आ जाएगा तो 54। हम पूछ रहे किसका मान, एक्स का मान पूछ रहा था, एक्स का मान कितना गया 54 किलोमीटर, ये दूरी है तो दूरी जो किलोमीटर में आएगा 54 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 दोनों एक ही प्रश्न को लिखा गया है, तो आप 7 बनाइए या 8, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है। अब 8 पर हर प्रॉपर्टी आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न क्या कह रहा, एक नाव 1 किलोमीटर अनुप्रवाह में तथा 1 से माइनस 5 किलोमीटर
ऊर्ध्व प्रवाह में सफर करने में कुल 285 मिनट का समय लेती है। यदि नाव के अनुप्रवाह चाल एवं ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अंतर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव के शांत जल में चाल एवं धारक चाल का अनुपात 9:1 है, तो x का मान क्या है? देखिए, नाव चाल और धारक चाल का रेशियो दिया है, नाव की चाल और धारक चाल, और धारक चाल एक है तो नाव की चाल कितना है? 9। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह जब का है तो क्या है, यानी इसका मतलब है कि जो धारा के साथ चल रहा है, और तो प्रवाह धारा के विपरीत चल रहा है, ठीक है। तो जब धारा के साथ चलेगा तो दोनों नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ेंगे। अब इसको एक्स वाई को कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए नाव की चाल एक्स मानते हैं और धारा की चाल वाई माने, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना, एक्स प्लस वाई। यहाँ रेशियो कितना मान दिया है, 9:1, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 10, और दोनों का अंतर एक्स माइनस वाई कितना आएगा, 9 में से गया 8। यहाँ रेशियो में अंतर मेरा 2 हो रहा है, रेशियो में 2 का अंतर है। चाल में कितना का अंतर दिया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल में रेशियो चाल को चाल में दिया है अंतर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक रेशियो का मान यहाँ से निकल जाएगा क्या, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न कह रहा है नाव का एक्स में दूरी तय करने में अनुप्रवाह दिशा में और एक्स माइनस 5 किलोमीटर दूरी ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में कर रहा है, तो उसे टोटल समय 285 मिनट समय लग रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दोनों तो मिला चल दिया, रेशियो में निकला है, एक रेशियो का मान कितना है, 3/2, तो 10 रेशियो का मान क्या होगा, एक रेशियो का मान अगर 3/2 है, 10 रेशियो में तो 10 से गुना करेंगे, 10 रेशियो का मान हमको चाहिए था, तो 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 से घटा 5 या 15 किलोमीटर आ गया। जब विपरीत दिशा में कहेगा, जब ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में, तो इसका जो चाल का अंतर कितना है, 8, तो एक रेशियो का मान अगर 3/2 है तो 8 रेशियो का मान क्या है, गुना करेंगे 8 से, 3/2 कटेगा 4, 36/12 यानी 12 किलोमीटर आ गया। इसका माना गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका माना गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों के मेरा चाल निकल गया। अब प्रश्न क्या है, दोनों को मिलाकर मेरा चाल टोटल समय कितना लग रहा है। अगर हम दूरी दोनों तो मेरा चाल निकल गया, अगर हम एक किलोमीटर दूरी तय करें अनुप्रवाह दिशा में, तो यानी 15/15 समय हो रहा है, क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी मेरा एक किलोमीटर है और चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दोनों मिला के चल रहा है, तो एक्स माइनस दूरी पाँच किलोमीटर प्रति किलोमीटर। अब चाल कितना है ऊर्ध्व प्रवाह में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टोटल समय कितना है, इसका समय और इसका समय दोनों को मिलाकर 285 मिनट समय लग रहा है। जब मिनट में तब घंटा बदलने के लिए 60 से भगा दीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना है, 60, तो 15 से 60 4x प्लस इधर बताओ 5, तो 5x माइनस 25 बराबर 285/60 बराबर 60 नीचे काट दिए, आपके आया कितना, 5×9 9x माइनस 25 बराबर 285। तो 9x बराबर क्या आएगा, इस तरह माइनस है तो इस तरह प्लस हो जाएगा, तो 5×5 10 8×2 10 1/11 2×1 3 310/9 एक्स का मान क्या है, 310/9 जो काटते हैं, 9×3 27 बचा कितना, 4, 9×4 36 बचा कितना, 4, 4 रिपीट से तो चला कटेगा नहीं, तो कितना गया मेरा, 34.4 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट के एक ही अंतर लिया, ऑप्शन नंबर डी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न 10 क्या कर रहा है, एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 75 किलोमीटर दूरी 7.5 घंटे में तय करती है, नाव के शांत जल में चाल धारा की चाल का 5 गुनी
है। यदि धारा की चाल दोगुनी हो जाए तो वह नाव अनुप्रवाह में 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए नाव जो मेरा दिया क्या नाव चाल नाव की चाल धारा की चाल का रेशियो दिया है। नाव की चाल और धारा की चाल और ई एक है तो कितना इसका 5 गुना है तो ये कितना होगा 5। नाव की चाल है धारा की चाल का 5 गुना है ठीक है। धारा की चाल दोगुने 5 गुनी है ठीक है। प्रश्न कह रहा है ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में यानी उल्टा दिशा में जिस दिशा में नाव चल रहा नाव इस दिशा में चल धारा इस दिशा में चल रहा है तो जब हम चाल का अंतर लेते हैं ठीक है तो हमें चाल का अंतर कितना होगा मान और इसको एक्स वाई मानते हैं ठीक है। प्रश्न कह रहा है जब अनुप्रवाह दिशा में चल रहा है तो 75 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है 7.5 घंटा में। सर 7 × 1/2 लिखिए या 7 + 1/2 लिखिए या 15/2 लिखिए तो 15/2 लिख लेते हैं काटने में आसानी होगा। अब देखिए चाल क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। मेरा दूरी कितना दिया है 75 किलोमीटर चाल थी समय कितना दिया है 15/2 बट्टा में 2 है तो इस पटा का गुना हो जाएगा तो 15 × 5 = 75 5 × 2 = 10 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया चाल आया। यहाँ इसका रेशियो निकालना है तो नाव की चाल 5 है रेशियो में नाव की चाल 5 है और धारा की चाल 1 है तो जब ऊर्ध्वप्रवाह दिशा में यानी उल्टा दिशा में चलेगा तो हम चाल का अंतर लेते हैं तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना का 4 4 रेशियो का मान कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेशियो का मन क्या होगा 2 से 1 काट लेते हैं 5 × 5 = 2 तो बचा कितना 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा इमेट चाल निकल गया। अब प्रश्न का अनुप्रवाह दिशा में अब कहा प्रश्न पूछ रहा है अनुप्रवाह दिशा में कितना दूरी तय करेगा 4 घंटे में तो अनुप्रवाह दिशा में कब होगा जब अनुप्रवाह दिशा में कहेगा तो चाल जो जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में धारा भी बह रहा है तो अनुप्रवाह दिशा में चाल छूटेगा तो नाव की चाल कितना 5 धारा का चाल 1 तो दोनों मिला करना 6 होगा। मैं थोड़ा देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है जो धारा की चाल है पहले से दोगुना कर दिए हैं धारा की चाल है पहले से दोगुना कर दिया तो पहले मेरा कितना था रेशियो में 1 तो दोगुना करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा पहले था 1 अब कितना हो गया 2 तो ये 2 और प्लस ये 5 नाव की चाल तो मेरा वही है जब एक ही दिशा में चलेगा तो चाल जोड़ेंगे तो 2 + 5 कितना हो गया 7 रेशियो में 7 एक रेशियो का मान मेरा कितने था 5/2 तो इसे गुना करेगा 5/2 यानी 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल हो गया। अब प्रश्न 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। लेकिन जब अनुप्रवाह दिशा में चलेगा तो इसका चाल कितना है 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा समय कितना है 4 घंटा कटेगा 2 यानी 70 किलोमीटर दूरी तय करेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया जो प्रश्न में मेरा आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर ई दिया है आंसर में दिया है 60 किलोमीटर ये कब आएगा जब कहा रहा था प्रश्न में कि इसका दुगुना नहीं करा तब जब दुगुना किए हैं जब धारा के चाल दुगुना किए हैं तो उसका स्पीड बढ़ेगा ऐसे धारा के चाल दुगुना नहीं करते हैं तब मेरा चाल कितना रहता है 6 एक रिश्वत का मन मेरा आया था 5/2 तो क्या मेरा स्पीड कितना हो जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से पूछता तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया और समय कितना है 4 यानी 60 किलोमीटर दूरी हो जाता ये कब होता है जब धारा की गति है उसको दुगुना नहीं करता वो प्रश्न में कह रहा है इसका दुगुना किया गया है जब दुगुना किया गया तो इसका पहले था 1 रेशियो में 1 था तब 2 हो गया तो जब चाल धारा चाल दुगुना हो गया और नाव चाल तो ही है अब दोनों मिलाएंगे हम तो 7 होगा तो प्रश्न में बनाया गया प्रश्न में 6 मान बना गया है जबकि एक प्रश्न में जो मान दिया वो गलत होगा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 70 किलोमीटर ना कि 60 किलोमीटर ठीक है।
आंसर जो बुक में दिया है इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।